السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم. چار دن کے ہیں یہ رنگ گل چار دن کے ہیں یہ رنگ گل اور حقیقت میں خار ہے دنیا ایک پل میں ہے ادھر سے ادھر چار دن کی بہار ہے دنیا ارے زندگی نام رکھ دیا ہے کس نے ارے موت کا انتظار ہے دنیا اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو کیا اٹھے یا نہ اٹھے صبح کو اور کیا خبر تیری صبح ہو یا نہیں تو کہیں صبح کو ہو زیر زمین اور تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک مختصر حمد و ثنا دعا اللہ رب العزت نہایت ہی فضل اور کرم ہے کہ جس ذات نے سانو سارے نو با جماعت نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی اللہ دے کولو دعا ہے ساڑھے سارے دوستاں احباب دا مل بیٹھنا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے میں اپنی گفتگو دو پہلے التماس کراں گا جتھو تک میری آواز جا رہی ہے جتنے دور دراز تو میرے آئے ہوئے مہمان سارے اندھے کے اپیل کرانگا جلد جلد پنڈال اندر تشریف لے کے آؤ جس مقصد واسے اسا آئے ہاں او مقصد آپا ضرور اللہ دے کولو لے کے جائیے آئیے توجہ کیجئے غور کیجئے جیڑا عنوان میں تُسے حباب دے سامنے ذکر کرنا چاہنا
इंसान दी जिंदगी तंगी दी जिंदगी क्यों बन गई। असा अपने गिरेबान अंदर वेखिए साड़ी जिंदगी तंगी दी जिंदगी क्यों बनी है। असा खुद ही अपनी जिंदगी नू तंगी दी जिंदगी बनाया। मैं नहीं कह रहा, कोई मेरा दोस्त नहीं कह रहा, ये अगर कह रहा है तो रब दा कुरान कह रहा है कि इंसान तूने अपनी जिंदगी को खुद ही तंगी की जिंदगी के रास्ते पे लेके चले हो, लिहाजा अपनी जिंदगी नू पर अमन बनाइए, पर सुकून बनाइए। तवज्जो कीजिए, चंद बातां तो सहबाब के सामने जिक्र करके इजाजत चाहूंगा। मेरे और तुसां दे पीर मुर्शिद जनाब मुहम्मद, मेरे पैगंबर दा नाम आए, गज बज के दरूद पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? एक बार दरूद पढ़ांगे दस गुना मुआफ, दस नेकियां बढ़ जानगियां, दस दर्जात बुलंद हो जानगे। सुनिया मैं अपनी गुफ्तगू दे अंदर नबी पाक अलैहि सलातु व सलाम दा नाम बार बार लेना है। याद मैं आसमाना चाहना मेरी मजलिस के अंदर जितने मेरे दोस्त बाब आए गज वज के दरूद पढ़ने जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पैगंबर दे सीने अतर ते नाजिल खोन वाला रब दा कुरान ऐलान कर रहा है। फरमाया के बामत नारद अन जिक्री فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى। कायनात के लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं जेड़ा बंदा साडे जिक्र तू मुंह फेरेगा अस उस बंदे दी जिंदगी तंगी दी जिंदगी बना देवांगे। सुनिया किंज असा अपनी आसान वाली जिंदगी बनाइए। एक और रब दे कुरान दा मकाम सुनिया जे इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। कायनात दे लोगों, ऐ तू साबित हो गया रब दा कुरान भी जिक्र है। सब तू वड्डा जिक्र किनू आख्या गया है जिंदी वजह तो मेरी जिंदगी तुहाडी जिंदगी अमन वाली जिंदगी बन जाएगी। कुरान ते गौर करया जे उतुलुमाग ओहिया इलैका मिनल किताब वाकिमिस सलात इन्नस सलात तनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। सब तू वड्डा जिक्र रब ने नमाज नु आख्या है की मैं ना सुनिया चाहना है कि आसान वाली जिंदगी बन जाएगी, अमन वाली जिंदगी बन जाए फिर नमाज पढ़नी पड़ेगी। सुनिया पिछली आयत वल तवज्जो कर रब दा कुरान ऐलान कर रहा है वमन आरद अन ज़िक्री فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا। कायनात के लोगों, अगर चाहते हो कि अमन वाली जिंदगी बन जाएगी फिर मेरा वीर जी फिर आशोर कोट का मेहमान तेरे अगे एक गल पिया रखता है कि फिर अपनी फजर दी नमाज बिस्तर ते सो के बर्बाद ना कर। अगर चाहना है मेरी अमन वाली जिंदगी बन जाएगी सुनिया फिर जोर दी नमाज अपने कारोबार अंदर आके तरक ना करया कर। चाहना है कि मेरी अमन वाली जिंदगी बन जाएगी सुनिया फिर असर दी नमाज खेल कूद अंदर दी बैंक बैलेंस अंदर आके जाया ना करया कर। चाहना है कि मेरी पुर सुकून वाली जिंदगी बन जाएगी सुनिया फिर मगरब दी नमाज रास्ते अंदर आके फिर कदी जाया ना करया करेगी। चाहना है मेरी सुकून दी दिली वाली जिंदगी बन जाएगी फिर मेरा वीर जी फिर
वीर जी अपनी शबी नमाज अपने बच्चों के अंदर बह के जाया ना करया कर, अपनी बीवी दे नाल बह के जाया ना करया कर, इन्ना मुंह पहला ते बह के अपनी शबी नमाज बर्बाद ना करया कर। अगर बर्बाद करेगा सुनया फिर कुरान का एक और मकाम सुन ले, अल्लाह का फिकर नहीं करेंगे। सुन ले रब तेरी माईशत बहुत बर्बाद कर देगा। अगर अल्लाह का फिकर नहीं करेगा फिर सुन ले सुनया है अरबा पत्ती बंदा, उस बंदे दे मसाइल भी अरबा पत्ती दे अंदर ने। सुनया है दी लखा करोड़ बंदा, सुनया लखा करोड़ भी कमांदा है, फिर उस बंदे दे मसाइल भी लखा दे तादाद अंदर है। तो फैक्ट्री का मालिक पर फिकियां चावा पीते मजबूर हो गया है। सुनया है तो कुकिंग ऐल का मालिक है, सुनया फिर उपलियां सब्जियां खान ते मजबूर हो गया है। वाइन्ना लहू माईशतन सदका, कायनात ते लोगों कदी बेटी आगे बाप दा गिरबान पकड़दी पई है, कदी बेटा आगे बाप दे चेहरे ते थप्पड़ पिया मरदा है, कदी घर बार अंदर खसारा पिया पैंदा है। सुनया सारा कुछ ते पीछे नुक्ता की है। वाइन्ना लहू माईशतन सदका, ताई ता तेरी माईशत तबाह बर्बाद होंदी पई है। जो रब का जिक्र नहीं करना सुनया फिर इंजी तेरी माईशत तबाह बर्बाद हो जानी है। आना दुनिया की जिंदगी भी तंगी की जिंदगी गुजार के मरेगा, हूं वेख ला बे नमाज भी मरदा है। आन रब दे कुरान दे कौन मकाम, तुसा बाप दे सामने जिक्र करा। रब दा कुरान ऐलान कर रहा है, फरमाया कि कल्ला बेनमाज बंदा पिया मरदा है, बेनमाज ने भी मर जाना है ते नमाजी ने भी मर जाना है। सुने आप एक गल सुन ले, अज उन्हां स्पीकरां दियां वादा ते तवज्जो नहीं करदा। मैं पूछना चाहना, मैं सवाल करना चाहना, बोल कदों तक उन्हां स्पीकरां ते तवज्जो नहीं करेगा। एक वक्त इंज दा जाएगा, एक वेला इंज दा जाएगा, इन्हां स्पीकरां दे अंदर तेरे जनाजे दा ऐलान कर दिता जाएगा। एक लम्हा इंज दा जाएगा, हर बंदे दी जबान अंदर ही जुमले होणगे, इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन। शोर कोट ते पासिया विवाद इस्लाम दे अंदर आण वाले आ, कुरान सुन्नत दे परवानिया सोच सोच ले। एक वक्त जुदा जाएगा, हर बंदा कहेगा वेखो यार जनाजा भी आंदा है, वेखो यार लाश भी आंदी है। किसे बंदे ने नहीं आखना चौधरी साहब आ रहा है, किसी बंदे ने नहीं आखना यार वेखो वेखो आकबदा निशारिया है, किसी ने नहीं आखना यार वेखो कि इमरान भी आंदा है। सुनया हर बंदे की जबान अंदर अलफाज होने गए, लाश आ रही है डड पैडी आ रही है, कायनात के लोग आओ ना नमाज की तैयारी कर लिए, आओ लोग बे नमाज बंदे की मौत वेखो कि आ रही है। रब का कुरान ऐलान कर रहा है, फरमाया कि कल्ला इदा बलगत तराकिया वकील मन रात, बे नमाज बंदे की रूह कटन वाले फरिश्ते आ गए ने, रूह कटनी शुरू कर दी है। रूह हलक अंदर आके रुक गई है, जान हलक अंदर आके फंस गई है। सुनया हलक अंदर आके जान रुक गई है। वेख बे नमाज बंदा अगे फरिश्ते की कहंदे ने, थप्पड़ मार के कह रहे ने, अखरीजू अनफुसकुम, आपे ही अपनी अज जान कढ़ के भी खा, आपे ही अज अपनी रूह कढ़ के भी खा। दुनिया ते रह के
छोरा ते पीछे बड़ा कुछ करता रह गया है, दुनिया ते रह के क्रूर ते कपड़ करता रह गया है, उत्ते सारे ईमान खत्म हो जान गए, उत्ते सारे तेरी कुफ्ता दी ताकत खत्म हो जान गया। कायनात ते लोगा वल तफती साग बि साग बेनमाज बंदा हलक अंदर आके जान रुक गई है। कायनात ते लोगा पिलनी नाल पिंडली पिया रगड़दा है, पाँव नाल पाँव पिया रगड़दा है, हाथ पीछे नु मुड़ गए। कायनात ते लोगा जेड़े कोल खड़े ने की कहंदे ने, वकील अमन रात जाओ यार डॉक्टर बुला के आओ, जाओ यार कोई इंजेक्शन वाला बुला के आओ, जाओ यार कोई महल्ले तो बुला के आओ, निफाद इस्लाम कॉन्फ्रेंस के अंदर आने वाले हो। एक मेरा जुमला सारी मेरी तकरीर पल्ले ना बन कोई गल नहीं, ऐ जुमला अपने दिल दिया तख्तियां ते नोट करके ले जा। मेरे इस मुल्क दे अंदर की होंदा है जद बेनमाज बंदे दी जान हलक अंदर आके रुक जांदी है। खसूसन में अपनी मां भैन नूं पैगाम देवांगा, औरतां की करदियां ने कहंदियां ने कि जाओ यार कोई हाफे नूं बुला के आओ, ओनूं कह दियो कि सूरत यासीन पढ़ दे। अल्लाह दी कसम मैं ऐलान पिया करना, सियासतां दियां किताबां उठा लै, कुरान दा तर्जमा पढ़ लै, कोई तैनूं रवायत जिद्दी नहीं मिलेगी। कायनात दे लोगों मुर्दे दे कोलों कुरान नहीं पढ़ना, हाँ इंज करना है ऐसा ऐसा कलमा पढ़ना है ताकि अपनी जबान अंदर कलमा जारी हो जाए। आओ कायनात पे लोगों, कायनात पे लोगों, डॉक्टर भी आ गया है, हाफिज भी आ गया है। आओ ना डॉक्टर ने आके नबज पकड़ लिए, नबज पकड़ के परेशान हो गया है। बूढ़ी मम्मा कहती है डॉक्टर जी वजह की बन गई है, कोई इंजेक्शन होएगा जिंदे नाल अज मेरी अज मेरा पेटा बच जाएगा, कोई तो टैबलेट होएगी जिंदे नाल मेरा अज बच्चे नु शफा मिल जाएगी। डॉक्टर कहंदा है अम्मा जी किंजियां गल्लां पईयां करदियों, जेड़े मोड़ ते पहुंच गया है इस मौके ते हुण गोलियां कम नहीं करदियां, इस मौके ते हुण इंजेक्शन कम नहीं करदे। अम्मा हुण आखरे क्यारी ने पानी लग गया है, दुआ करो अल्लाह दी जल्दी जल्दी जान कढ ले, जल्दी जल्दी रूह कढ ले। मम्मा कहंदी है मेरा बछड़ा की गुनाह कर बैठा है, जिंदी सजा पिया भोगना है। अल्लाह फरमाते ने मैं दसा के की गुनाह कर बैठा है, गुनाह कर बैठा है, वला सत्य का वला सलाम वला किन का दबा वो तबला। कायनात के लोगों एक तो नमाज नहीं पढ़ता, दूजा बंदा झूठ बोलिया करता सी, अज वक्त ही चाहना है कि दुनिया भी अमन नाल गुजर जाए, आखरत भी बेहतर बन जाए। मेरा वीर नमाज पढ़ ले, अगर बेनमाज की हालत अंदर मरनी फिर कोई लोड़ नहीं नमाजा पढ़न दिया। दुनिया ते भी जलील होएगा, कबर अंदर भी जलील होएगा, आखरत वाले दिन भी तेनू अंधिया करके उठा दिता जाएगा। अल्लाह दे कोलू मैं भी दुआ करांगा, तुसी अहबाब भी दुआ करो। मेरा सोना अल्लाह जिन्ने साथी आए ने, जिन्ने मेरी मां बहन आईया ने, जिथू तक मेरी आवाज जाएगी मक्का सीढ़ी दे सेंटर, जिथू दुनिया तक मेरी आवाज फैलेगी, पैगाम देवांगा, इल्तमास करांगा सुनिया। अगर चाहना है अमन वाली जिंदगी गुजर जाए, चाहना है दुनिया भी बेहतर गुजर जाए, कब्र भी बेहतर गुजर जाए, आखरत भी बेहतर गुजर जाए, वीर जी फिर नमाज पढ़नी पड़ेगी। अल्लाह दे कोलू दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे समय सानू सारयां नू पंज वक्त दा पक्का सच्चा नमाजी बनाए, फिर कदी मौका मिले इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू होएगी। वा आखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह।